हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है अपने परिवार के लिए पूंजी इकट्ठा करने के लिए, ताकि उसके जाने के बाद उसका परिवार उस पूंजी को अपने इस्तेमाल में ला सके। परंतु इंसान अपने जीवन काल में सिर्फ पूंजी ही नहीं कमाता, कुछ पाप भी कमाता है। और जैसे उसकी कमाई पूंजी पे उसके बच्चों का अधिकार होता है, उसी तरह उसके कमाए पापों में भी उसके बच्चों का हिस्सा होता है। ये कहानी है उत्तराखंड के एक गांव जोशीमठ के एक समृद्ध परिवार की। घर के बाहर बहुत बड़ी जमीन है, जिस पर एक काफी पुराना बरगद का पेड़ भी था। इस गांव में उद्धम सिंह, उसकी माँ, उसकी पत्नी सविता और उद्धम सिंह का 3 साल का बेटा राहुल भी रहते थे। उद्धम सिंह की पत्नी सविता दोबारा माँ बनने वाली थी, जिसकी वजह से घर में काफी खुशियों भरा माहौल था। उद्धम सिंह और उसकी पत्नी इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे कि अब उनके परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है। पर वहीं उद्धम सिंह की माँ के चेहरे पर घबराहट और चिंता साफ नजर आ रही थी। इस बात को उद्धम सिंह और उसकी पत्नी सविता ने भी अनुभव किया था। काफी दिन बीत गए, पर उद्धम सिंह की माँ की घबराहट कम न हुई। वह रोज संध्या समय घर से बाहर चली जाती और देर रात तक वापस न आती। सविता के कई बार पूछने पर भी माँ कोई जवाब ना देती थी। जब यह बात सविता ने उद्धम सिंह को बताई, तो उद्धम सिंह ने खुद माँ से इसका कारण पूछने की ठान ली। उसने अगली सुबह अपनी माँ से उसकी चिंता और घबराहट का कारण पूछने लगा, तो उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बार बार पूछे जाने पर उसकी माँ उसे कुछ बताने ही लगी थी कि वह कुछ बोलते हुए रुकी और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। उद्धम सिंह ने अपनी माँ की बात पर यकीन करते हुए इस बात को टाल दिया। कुछ समय बाद उद्धम सिंह के घर में एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने वैभव रखा। उस बात को हुए आज 10 साल बीत चुके थे। उद्धम सिंह को नौकरी मिल जाने के बाद वो अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ बेंगलोर में रहता था। पर उसकी माँ की तबीयत और उस गांव के लगाव के चलते उसकी माँ अभी भी जोशीमठ में उसी बड़े घर में रहती थी। दिन सामान्य चल रहे थे और 2 दिन बाद वैभव का 10वां जन्मदिन था। उद्धम सिंह की पत्नी सविता उसी की तैयारियों में लगी हुई थी, लेकिन अपने जन्मदिन से 2 दिन पहले ही वैभव की तबीयत खराब होने लगी। वैभव कुछ डरा सहमा सा दिखाई दे रहा था, इसीलिए उसके पिता ने उसे अपने पास बिठा के पूछा कि आखिर क्या बात है, वो आज इतना चुप चुप क्यों बैठा है, क्योंकि रोज तो इसकी शरारतों से पूरे घर में चहल पहल रहती थी। इस पर वैभव ने बताया कि कल रात उसने एक सपना देखा, जिसमें कुछ लोग दिखाई दिए जो सिर्फ उसे देखे जा रहे थे, पर उनकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी। बहुत देर तक मुझे घूरने के बाद उनमें से एक आदमी ने मुझे कहा कि अब समय आ गया है, लेकिन वैभव ने यह भी बताया कि वह एक सपना था या हकीकत या सिर्फ उसकी एक कल्पना, वो अभी तक ये बात समझ नहीं सका है। उद्धम सिंह को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने वैभव से पूछा कि क्या पहले भी तुमने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? तो वैभव ने बताया कि हाँ, देखा है, पर आज तक कभी उन लोगों में से किसी ने कुछ नहीं कहा था। वैभव के पिता थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए, फिर उन्होंने सोचा कि जरूर वैभव ने टीवी पर कुछ उल्टा सीधा देखा होगा, जिसके कारण ये सपना उसे आया था, और महज एक सपना मानकर उस बात को उन्होंने वहीं टाल दिया। 2 दिन बाद यानी 17 अक्टूबर को वैभव के जन्मदिन की सुबह वैभव काफी देर तक नहीं उठा। उसके बड़े भाई राहुल ने जब उसे जगाने के लिए उसको हाथ लगाया, तो उसे वैभव के हाथ बर्फ से ठंडे महसूस हुए, जिसे देखकर राहुल काफी घबरा गया और तुरंत अपनी माँ सविता की तरफ भागा। पर जब सविता और उद्धम सिंह ने वैभव को आकर हाथ लगाया, तो उसका शरीर बुखार में तप रहा था। राहुल इस बात से हैरान रह गया कि अभी तो उसके भाई का हाथ एकदम ठंडा हो गया था, अब एकदम से गर्म कैसे हुआ। उद्धम सिंह ने बिना देर करते हुए वैभव को पास ही के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, जहां सारी जांच के बाद भी डॉक्टर को ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे डॉक्टर्स वैभव की हालत का कारण मान सकें। ये जानकर उसके माता पिता और भी परेशान हो गए कि अगर उनके बेटे को कोई बीमारी नहीं हुई, तो वो अभी तक बेहोश क्यों है। जब रात तक भी वैभव को होश नहीं आया, तो सविता ने अपने पति को उसकी माँ को खबर करने को कहा। उद्धम सिंह ने अपनी माँ को कॉल पे सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद
उधम सिंह की माँ ने बिना कोई खास प्रतिक्रिया देते हुए कि वह कल शाम तक वहाँ पहुँचेगी। ये बात सुनकर उधम सिंह को बहुत ही आश्चर्य हुआ। डॉक्टर्स की लाख कोशिशों के बाद भी वैभव तीसरे दिन तक बेहोश था और दूसरी ओर उसके माता पिता सारी उम्मीदें हार रहे थे। रात होते ही वैभव की दादी भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। उनके आते ही उधम सिंह उनकी तरफ बढ़ा, पर उसकी माँ ने उसे ऐसा करने से मना करते हुए कहा कि उसे जल्द से जल्द वैभव के पास ले जाए। उधम सिंह उन्हें वैभव के पास लेकर आ गया। पूरे रास्ते उसकी माँ ने उससे कोई बात नहीं की थी और उधम सिंह को ये बात बहुत परेशान कर रही थी। जैसे ही वो लोग वैभव के पास पहुंचे तो वैभव की दादी ने वैभव के सर पर हाथ रखते हुए उसके सर के नीचे कुछ रख दिया और वापस मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। उधम सिंह को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी माँ का इस तरह का बर्ताव करना उधम सिंह को उलझाए हुए था। वैभव के रूम से वापस आकर उसकी दादी ने बस इतना ही कहा कि सुबह तक वैभव को होश आ जाएगा, और अगली सुबह ठीक वैसा ही हुआ। वैभव को होश आ गया। उसके माता पिता ने जब उसे होश में देखा तो उनकी जान में जान आई, पर वैभव अभी कुछ बोल नहीं पा रहा था। इसके बाद उधम सिंह अपने बेटे को लेकर घर आ गया और उसकी माँ वापस अपने गांव चली गई। लेकिन अब वैभव बेहद शांत और हमेशा ही डरा सहमा सा रहता था। इस घटना के कुछ दिन बाद उधम सिंह ने वैभव से ये जानने की एक बार फिर कोशिश की कि आखिर वो अब इतना खामोश सा क्यों रहता है, और जब वह बेहोशी में था क्या तब के समय की कोई बात उसे याद है। इस पर वैभव ने उधम सिंह को जो कुछ बताया उसे सुनकर उधम सिंह और उसके बाकी परिवार वालों के होश उड़ गए। वैभव ने बताया कि जन्मदिन वाले दिन से पिछली रात जब वो सो रहा था तब उसे फिर से उन अनजान चेहरों ने घेर लिया था। उनमें से एक ने कहा कि अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, लेकिन इस बार वो चेहरे धुंधले नहीं थे और ना ही वो सपना था। वैभव उन लोगों की शक्लें साफ साफ देख पा रहा था और वो इस बात से भी आश्वस्त था कि इस बार उन लोगों को सपने में नहीं बल्कि हकीकत में देख रहा था। इस पर उधम सिंह ने फिर से उससे पूछा, क्या उनमें से किसी को तुमने पहले भी कभी देखा है? इस पर वैभव ने कमरे में टंगी दादाजी की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनमें से एक व्यक्ति दादाजी ही थे, बाकी लोगों को वो नहीं जानता और वह लोग अभी भी मेरे पीछे ही खड़े हैं।